बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज द मीन टर्म एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मीन क्या होता है, टर्म और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास थ्री क्वांटिटीज है, सही है? एक है ए, एक है बी और एक क्या है सी। और इन तीनों के दरमियान जो रेशियो है वो किस तरह है, वो इस तरह है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ठीक है, बी रेशो सी। अब ये जो बी है इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये बी क्या है, ये है मीन प्रोपोर्शन। समझ गए क्वेश्चन? इस तरह देखें, ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू बी डिवाइड बाय सी। सो जो बी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। और जो सी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। सी को हम क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, दरमियान वाला जो बी है इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन और सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या हो चीज होता है, ये जो ए रेशो बी है इससे जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा बी रेशो सी। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको हम क्या कहेंगे देन, इसको हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 है, थ्री क्वांटिटीज है 4, 12 और 36। इसको देखते हैं, ठीक है, कि ये इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4:12 प्रोपोर्शन 12:36। अब 4 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 36। इस तरह है कि नहीं, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। सो क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 12 1 जार 12 एंड 12 3 जार 36। 1 डिवाइड बाई 3, सो 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब ये क्या है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि जब हमारे पास क्या हो, रेशो सेम आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे देन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, लेट्स सपोज 4 क्वांटिटीज हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। तो इन तीन चारों के दरमियान कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किस तरह होगा, इस तरह होगा। देख, ये हो जाएगा ए ए रेशो बी इक्वल होगा बी रेशो सी के, और सी रेशो बी रेशो सी इक्वल होगा सी रेशो डी के। मतलब क्या है कि इन तीनों चार क्वांटिटीज के दरमियान अगर ये तीन रेशो इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इन 4 क्वांटिटीज। इस पर क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो ये हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मीन टर्म एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या चीज है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर सपोज हमारे पास तीन क्वांटिटीज है तो ये जो बी है इसको हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या होगा, इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। जो सी होगा उसको हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, सी क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि अगर सपोज तीन क्वांटिटीज है तो इन तीनों के दरमियान जो रेशो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब 4 क्वांटिटीज में किस तरह होगा, तो ये तीन रेशो अगर सेम होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर टू कहते हैं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 3। हमने मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करना है और क्वेश्चन में गिवन क्या है, 12 और 3। ठीक है, 12 और 3। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखिए, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब ये दो क्वांटिटीज गिवन है और हमने दरमियान वाला जो मीन प्रोपोर्शन है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सट्रीम पे होगा एक 12 और दूसरा होगा क्या, 3। दूसरा होगा क्या, 3। और जो मीन प्रोपोर्शन है वो सपोज हमारे पास मालूम नहीं है, उसको हम नाम देते हैं क्या, एक्स। तो एक हो जाएगा 12:x प्रोपोर्शन टू x:3। मतलब क्या है कि मीन प्रोपोर्शन हमारे पास उस तीन क्वांटिटीज में क्या था, ए बी और सी में ए
रेशो बी रेशो प्रोपोर्शनल बी रेशो सी। अब हमने ये फाइंड करना है तो इसको हमने नाम दिया क्या एक्स, ठीक है। तो इस तरह हम इसको फाइंड करेंगे, तो इस तरह हो जाएगा 12 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और 12 3 36। अब स्क्वेयर हटाने के लिए अंडर रूट लगाएंगे तो x आ जाएगा क्या 6। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 6। तो इस तरह हम मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करेंगे। देखें क्वेश्चन में हमने क्या करना था, मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करना था और हमारे पास गिवन था 12 एंड 3। अब हमें मालूम है कि जो मीन प्रोपोर्शनल होता है थ्री क्वांटिटीज में वो दरमियान में होता है, और उसको हमने सपोज किया क्या कि ये मालूम नहीं है और इसकी वैल्यू क्या है एक्स। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड कर दिया। अब रेशो का क्या मतलब कि 12 डिवाइड बाई एक्स इक्वल, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा इक्वल, और एक्स डिवाइड बाई 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई विच इज 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें, इफ 5:15:x आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भी आसान है, एक क्वेश्चन में क्या है थर्ड में 5:15:x क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप क्या फाइंड करें कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को, आर कंटिन्यूड है, ये तीनों कंटिन्यूड है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन 5/15 इक्वल टू 15/x। 15 क्या है मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x, और 15 और 15 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, या इसको इस तरह लिखे 15/15 ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब x इक्वल बन जाएगा 5/15 5 5 1 5 5 3 15 और 3/15 से क्या आएगा x की वैल्यू आएगी 45। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे x की वैल्यू को, थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर, एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरा क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल को, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। लेट सपोज मीन प्रोपोर्शनल हमें मालूम नहीं है और वो क्या है एक्स, तो एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है एक्स रेशो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है, एंड डिवाइड बाई ए माइनस बी। अब अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला अगर इधर आएगा तो इसकी पावर माइनस वन, अगर वापस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन, तो ये सिंपल आ जाएगा ए माइनस बी। ये समझ गए, ये इसके नीचे था, इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगा इसका होल माइनस वन, और अगेन ऊपर लाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है, इस तरह। अब क्या करेंगे देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई ये आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दो है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर का हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे अंडर द रूट बोथ साइड, तो एक्स की आंसर आएगी ए प्लस बी। तो मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शनल आ गया ए प्लस बी, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मीन थर्ड एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल
हमने इस एक्सरसाइज पे इस पर थोड़े से क्वेश्चन किए, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मसला सॉल्व हो जाए।